तो हो जाइए तैयार बनने के लिए ज्यादा समझदार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन क्लॉजेस के बारे में। क्या होता है नाउन क्लॉजेस, सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसका डेफिनेशन, उसके बाद आएगा कुछ एग्जांपल जिसके और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि हम एडवांस ग्रामर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगे। और आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक ग्रामर जो है ना वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है अपने चैनल पर, ये अपलोड कर दिया है, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है। और आपके लिए वेबसाइट पे भी बहुत सारा कंटेंट है हमारा, तो वहां भी चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में क्विज आने वाला है जिसको मैं आपको कहूंगा कि अटेंड करना ही करना है, आपको अटेम्प्ट करना है उसको, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आपने समझा है इस वीडियो से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन क्लॉज क्या होता है। सो अ नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन, एक नाउन की तरह फंक्शन करता है विद इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बनाते हैं ना, जैसे ही इज रनिंग, शी इज रनिंग, ये तो बड़ा सीधा साधा एंड सिंपल सा हमारा सेंटेंस हो गया। लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहते हैं, दैट ही नो दैट ही इज गोइंग टू विन, लाइक दैट। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं इनमें कहीं ना कहीं नाउन क्लॉजेस का यूज आता है, और नाउन क्लॉजेस इन सेंटेंसेस में, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नाउन की तरह बिहेव करता है। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और कहीं ना कहीं लाइक एनी नाउन इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन की तरह काम करता है, जैसे कि नाउन करता है। नाउन कभी सब्जेक्ट रहता है, कभी ऑब्जेक्ट रहता है ना। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जब हम नाउन क्लॉज के बारे में समझते हैं, जानते हैं और यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। नाउ नाउन क्लॉजेस हेल्प कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज बाई अलाउइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट टू बी इंटीग्रेटेड इन टू अ सेंटेंस। जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं ना, जब भी मान लो कि आप कोई बात कर रहे हो, बहुत टेक्निकल बात है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको और डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको और भी कंपोनेंट की जरूरत ही होती है, और उन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट होता है हमारा नाउन क्लॉज, जो कि और क्लैरिटी देता है और कॉम्प्लेक्स चीजों को एक्सप्लेन करने में हमारा मदद करता है एज अ लैंग्वेज का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन, जो कि आपको नोट डाउन करना है। बेसिकली अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट, जो कंटेन्स करता है, that contains a subject and a predicate and functions as a noun within a sentence. So, clause के बारे में तो आपको पता है, clause यानी कि जिसके पास subject भी हो और predicate भी हो, ठीक है, उसको हम लोग clause बोलते हैं। Noun clause में एक और चीज़ जो add हो जाता है वो ये है कि ये noun की तरह use होता है एक sentence में, ठीक है। It often begins with conjunctions such as that, what, when, where, why, whether, how. कहीं ना कहीं अगर आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ है हमारा नाउन क्लॉज, तो आप देखोगे कंजंक्शंस कहाँ है, उन्हीं कंजंक्शंस के आसपास ही हमारा ये नाउन क्लॉज मिल जाएगा। जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा ना आपको, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ये चीज़ आप नोट डाउन पिकअप करने लगोगे, है ना। तो दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वेदर एंड हाउ, ये सारी चीज़ें जब रहती है, ये कंजंक्शंस जब रहते हैं, तो उसी के आसपास आपको कहीं ना कहीं नाउन क्लॉज दिख जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब एक वर्ब का सब्जेक्ट की तरह नाउन क्लॉज यूज आता है। मैंने आपको चीज बता दी, क्लॉज क्या होता है ये आपको पता है, नाउन क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एपोजिशन की तरह यूज हो सकता है नाउन। यहां पे जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम नाउन क्लॉज को। देखिए, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, When she will arrive is uncertain. अब यहां पे arrive जो है verb हो गया, इसका जो subject है किसके बारे में बात हो रहा है, When she will arrive, इसके बारे में बात हो रहा है, तो ये जो पूरा sentence है वो subject की तरह काम कर रहा है, जो bold में है, और इसी को हम बोलते हैं noun clause, ठीक है, क्योंकि ये verb जो arrive है उसका subject की तरह यहां पे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो देखिए, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम करेगा, कैसे, ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम, अब ही सेड यहां पर क्या हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन, मतलब जिस पे काम हो रहा है, जिस पे एक्शन हो रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, करेक्ट। अब यहां पर देखिए किसके बारे में, किसको बोला जा रहा है, ही सेड दैट ही वुड कम,
यहाँ पे आई डोंट नो वेयर ही वेंट, तो डोंट यहाँ पे क्या हो गया आपका कहीं ना कहीं वर्ब है, वेयर ही वेंट और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया वेयर ही वेंट। शी वंडर्ड, वंडर्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, वाई ही लेफ्ट सो अर्ली, वाई ही लेफ्ट सो अर्ली। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, आप देख लो कि किस पे काम और किस पे एक्शन हो रहा है। ओके, शी वंडर्ड, शी जो है हो गया आपका सब्जेक्ट, वंडर्ड मतलब वर्ब हो गया, वाई ही लेफ्ट सो अर्ली, वाई ही लेफ्ट सो अर्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो नाउन क्लॉज जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक्शन जो किया जा रहा है वंडर किस लिए हो रहा है, वाई शी वंडर्ड, बिकॉज शी वंडर्ड वाई ही लेफ्ट सो अर्ली, वो क्यों चला गया जल्दी, इसलिए वंडर्ड हो रहे हैं ना, क्यों वंडर्ड हो रहे हैं। आई डोंट नो वट यू डोंट नो तो वेयर ही वेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर देता है। बेसिक है बहुत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली है, तो बार बार अगर मैं रिपीट करके आपको बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि अगर आपको इनके बारे में आइडियाज नहीं है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट पे हमारे कोर्स को देखिए, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये वाला कोर्स फ्री है हमारे वेबसाइट पे, तो www.skillandlab.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन क्या है आपका, यहां पे देखिए, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, तो यहां पे टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या बताता है, डायरेक्शन, जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, टू क्या है, प्रीपोजिशन है ना, ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है, डायरेक्शन बताता है, लोकेशन बताता है, ये सारी चीजें प्रीपोजिशन करता है। सो यहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है हमारा नाउन क्लॉज। सो प्लीज पे अटेंशन टू टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, यहां पे ये हो गया ऑब्जेक्ट। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर व्हाट यू डिड, फॉर यहां पे हो गया प्रीपोजिशन, व्हाट यू डिड, नो एक्सक्यूज फॉर व्हाट, no excuse for what you did, we have no information except that it was too late, that it was too late, यहाँ पे object की तरह काम कर रहा है। तो noun clause है, object की तरह काम कर रहा है preposition के लिए, यहाँ पे बहुत simple है, समझ में आ गया होगा। noun clause in opposition to a noun or pronoun, अब opposition क्या है कि जब आप देखोगे ना कि दो नाउन्स आसपास में है, ठीक है, दो नाउन्स आसपास में है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको एपोजिशन बोला जाता है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को। ही इज बिलीव दैट ही वुड सक्सीड, अब देखिए ही इज बिलीव, यहां पर भी सब्जेक्ट, ही इज बिलीव दैट ही वुड सक्सीड, इसी आदमी के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो यहां पर यह जो हो गया एपोजिशन हो गया, केप्ट हिम मोटिवेटेड, द र्यूमर दैट दे आर मूविंग, अब र्यूमर है और र्यूमर के बारे में यहां पर बात हो रही है, पहले र्यूमर को बोला फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, is false, ठीक है, तो ये एपोजिशन होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम एपोजिशन बोलते हैं। द फैक्ट दैट शी पास्ड द एग्जाम, द फैक्ट दैट शी पास्ड द एग्जाम, अ फैक्ट के बारे में दोबारा बात हो रही है, सरप्राइज्ड एवरीवन, तो यहां पर भी जो है दूसरा वाला जो है ना, यहाँ पे नाउन जो कि बात कर रहा है उसी नाउन के बारे में, ठीक है, पहले नाउन को पता, जैसे बोलते हैं ना माई ब्रदर हु इज अ साइंटिस्ट, तो एपोजिशन हो गया ये ब्रदर और फिर उसके बारे में बोल रहा है कि ही इज अ साइंटिस्ट, है ना, गांधी जी हु वाज अ पीस मेकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी के बारे में बोलते हैं फिर उसके बारे में जस्ट बात करता है, तो ये जो होगा स्ट्रक्चर उसको एपोजिशन बोलते हैं। और दूसरा वाला जो है स्ट्रक्चर है वो भी नाउन है, तो ये भी नाउन ही होगा जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो एपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे होता है, उसमें भी हम लोग नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। नाउन क्लॉज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेट, यहाँ पे देखिए द ट्रूथ इज दैट वी हैव बीन डिसीव्ड, इज जो हो गया हमारा हो गया वर्ब, एंड दैट वी हैव बीन डिसीव्ड ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, यू नो सेंटेंस को पूरा कर रहा है। माई बिलीफ इज दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट है, लाइफ इज वॉट वी मेक ऑफ इट, वॉट वी मेक ऑफ इट लाइफ, और ये जो दोनों चीजें जुड़ी हुई है यहाँ पर इज है, इज जो है वर्ब है, और यहाँ पे नाउन क्लॉज जो है वो है हमारा व्हाट वी मेक ऑफ इट, ये कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट प्रेडिकेशन हो रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है ना, जैसे लाइफ इज बोल दो तो इसका कोई मतलब नहीं है, व्हाट वी मेक ऑफ इट, यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो
नाउन जो है आपका बेसिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एपोजिशन की तरह काम कर सकता है, और यहाँ पे नाउन क्लॉज आ गया है जो कि इसी तरीके से काम कर रहा है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में, जैसा कि आपने देखा उस तरीके से रह के कर रहा है। तो ये थी बात हमारे नाउन क्लॉज के बारे में। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम लोग एडवांस ग्रामर में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारे कोर्स में जो कि फ्री है रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए रजिस्टर कीजिए www.skillianlab.com पे। बहुत सारे कोर्सेज अगर आपको पसंद आया तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। What she said surprised everyone, यहाँ पे आपको बताना है कि नाउन क्लॉज कौन सा है, सरप्राइज्ड एवरीवन, व्हाट शी सेड या एवरीवन। तो सही आंसर है व्हाट शी सेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट दैट ही passed the एग्जाम अमेज्ड हीज टीचर। सिमिलर तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हीज टीचर, दैट ही passed the एग्जाम और अमेज्ड, कौन सा आपको लगता है कि सही है। तो सही आंसर है यहाँ पे दैट ही passed the एग्जाम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज, आई बिलीव शी विल विन और ही रैन आउट ऑफ द हाउस, आई बिलीव शी विल विन या फिर ही रैन आउट ऑफ द क्लास हाउस, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। एंड सही आंसर है इसका आई बिलीव शी विल विन, क्योंकि यहां देखिए आई बिलीव शी विल विन, शी विल विन जो है ये हमारा पे कहीं ना कहीं नाउन क्लॉज जो है और आई बिलीव जो है, बिलीव यहां पर क्या हो गया, विश्वास करना, ठीक है। आई बिलीव यहां पर भी शी विल विन, ठीक है। तो बिलीव किस पे है, शी विल विन, इस चीज पे। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारा नाउन क्लॉज यूज हो रहा है। तो ये था हमारा नाउन क्लॉज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लग रहा होगा क्योंकि एडवांस ग्रामर है तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़ जाइए बेसिक पहले अच्छे से पढ़ लीजिए तो नाउन क्लॉज जो है जो एडवांस ग्रामर में आता है आपको थोड़ा ईजी लगेगा। और बने रहिए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए हमारे वेबसाइट पे www.skillianlab.com पे, और हमारा एप्लीकेशन भी है गूगल और हमारा एप्लीकेशन भी है गूगल स्टोर पे जिसपे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।